लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ड्वेन और बेकर ऑल अर्थ की तरफ बढ़ रहे थे, तो मैक्स डिसाइड करता है कि वो किलर एरेना में जाकर उन सबसे फाइट करके ट्रेनिंग करेगा, जहां वो सब लोग ड्वेन को तो हराने में कामयाब हो रहे थे, लेकिन बेकर ऑल को वो बस एक ही बार हरा पाते हैं। तो मैक्स अपनी गोल्डन हॉर्न बहमोत को अपग्रेड करने लग गया था, जिसके कारण वो ब्रेक थ्रू करके यूनिवर्स लेवल पर पहुंच गया था। साथ ही अब मैक्स अपनी दोनों बॉडी को एक साथ इस्तेमाल कर सकता था। इसके बाद वो सब प्लेन में बैठकर ड्वेन और बेकर ऑल की शिप की तरफ जाने लगते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में मैक्स और उसकी टीम बहुत तेजी से ड्वेन और बेकर ऑल की शिप की तरफ बढ़ रहे थे। इधर इस बात का पता उन दोनों को भी चल जाता है कि एक C9 लेवल का शिप उन दोनों की तरफ तेजी से आ रहा है, इसलिए वो सोचने लगते हैं कि क्या उसके अंदर मैक्स है। तभी ड्वेन बोलता है कि अगर इसके अंदर मैक्स है भी, फिर भी वो एक C9 लेवल का शिप लाके हमसे कैसे फाइट कर सकता है, जबकि हमारा शिप तो D3 लेवल का है। लेकिन उस शिप की स्पीड बढ़े जा रही है, लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये सुन के बेकर ऑल उससे बोलता है कि वो बस C9 लेवल का शिप है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए उसे इग्नोर करके आगे बढ़ते रहो। अब वो दोनों शिप बहुत करीब पहुंच जाती है, लेकिन अब भी मैक्स के शिप की स्पीड धीरे नहीं हो रही थी, इसलिए ड्वेन को लगता है कि मैक्स उस शिप को उनकी शिप में टकरा कर फोड़ना चाहता है। इस कारण ड्वेन अपनी शिप की फुल स्पीड बंद कर देता है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर देता है, जिस बात का पता मैक्स को चलते ही वो बोलता है कि हमारा प्लान कामयाब हो रहा है। दूसरी तरफ बेकर ऑल ड्वेन से बोलता है कि वो जानबूझकर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है ताकि तुम पीछे हट जाओ और तुम उसकी बातों में आ भी रहे हो। इस पे ड्वेन गुस्से में उससे बोलता है कि हमारा प्लान अर्थ पर कब्जा करना है और हम इस बार बिल्कुल नहीं चूक सकते, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। ऊपर से इस शिप का कमांडर मैं हूँ, तो यहाँ सारे ऑर्डर्स मैं ही दूंगा। इस पे बेकर ऑल कहता है कि तुम पीछे छुपके बैठे रहो, मैं उनसे लड़ने जा रहा हूँ। अब बेकर ऑल शिप से बाहर आ जाता है और मन में सोचने लगता है कि मैक्स ने थोड़े समय के लिए ड्वेन को तो डरा दिया, पर वो मेरा सामना नहीं कर पाएगा। अब वो तेजी से मैक्स की शिप की तरफ बढ़ने लगता है। इधर मैक्स को भी पता चल जाता है और वो बबाता से टारगेट लॉक करके रेल गन फायर करने को कहता है, जो कि D5 लेवल की थी, जो मैक्स ने थोड़े समय पहले ही खरीदी थी, और उससे ड्वेन की शिप आराम से तबाह हो सकती थी। इधर बेकर ऑल उस रेल गन को देखकर डर के रुक जाता है, लेकिन तभी बबाता वो रेल गन फायर कर देती है, पर सही समय पर बेकर ऑल रास्ते से हट जाता है, लेकिन उस रेल गन का अटैक डायरेक्ट ड्वेन की शिप पे जाकर लगता है, जिसके कारण ड्वेन की शिप तबाह हो जाती है और वो मारा जाता है, जिसे देखकर बेकर ऑल भी शॉक में था। अब मैक्स अपनी टीम के साथ बेकर ऑल के सामने आ जाता है, तो उसे देखकर बेकर ऑल बोलता है कि तुमने जानबूझ के ड्वेन को शिप की स्पीड कम करने पर मजबूर करा था ताकि तुम ठीक से निशाना लगा सको, ये काफी अच्छा प्लान था, पर मैं अभी भी जिंदा हूँ और तुम जानते हो कि तुम किलर एरेना में मुझे बस एक बार हरा पाए थे, इसलिए आज तुम सबसे लड़ने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। अब बेकर ऑल उन सबके लेवल देखता है तो उसे पता चलता है कि योगो यूनिवर्स लेवल पर है और बाकी सब स्टार लेवल पर, लेकिन बेकर ऑल को समझ नहीं आ रहा था कि उसे उनमें से एक ताकतवर ऑरा क्यों महसूस हो रहा है। अब वो सब एक साथ बेकर ऑल पर हमला कर देते हैं, जहां दोनों मास्टर्स डोमेन बना के बेकर ऑल को बीच में कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेकर ऑल छूट जाता है, पर ओगू अपनी स्पिरिचुअल पावर से फिर से उसे फंसा देता है, जिसके बाद वो लोग उस पे एक साथ अटैक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने यही मूव का इस्तेमाल करके बेकर ऑल को किलर एरेना में हराया था। लेकिन बेकर ऑल उन सबसे कहता है कि किलर एरेना में मेरा डेटा पुराना है और अब मैं इस सिचुएशन में नहीं फंस सकता। अब ये बोल के बेकर ऑल आजाद हो जाता है और विन डोमेन से उन सब पे हमला करता है, जिससे वो लोग इधर उधर भाग के बच रहे थे। साथ ही बबाता भी मैक्स की शिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त बेकर ऑल रीइनकार्नेशन स्वॉर्ड की मदद से ओगू पर हमला कर देता है, लेकिन सभी लोग उस रीइनकार्नेशन स्वॉर्ड के सामने आके उसे रोक लेते हैं। इसके बाद वो सब बेकर ऑल के डोमेन पर अटैक करते हैं, क्योंकि वो डोमेन के अंदर था लेकिन उसका डोमेन नहीं टूट रहा था। तभी ओगू उस मेटल के टुकड़े से डोमेन पर अटैक करके उसे तोड़ देता है, लेकिन बेकर ऑल उस टुकड़े को अपनी स्वॉर्ड से पीछे कर देता है। उसी वक्त मैक्स वहां पर डीव को बुलाता है, जो कि यूनिवर्स लेवल स्टेज 9 का स्पिरिचुअल मास्टर था, जिसे मैक्स ने स्लेव मार्केट से खरीदा था। अब डीव बेकर ऑल पर माइंड अटैक करता है।
जिसके कारण बेकरऑल का डोमेन एकदम से गायब हो जाता है। साथ ही वो समझ जाता है कि उसे इतनी देर से डीव का ही ऑरा महसूस हो रहा था। उसी वक्त मैक्स अपने सिल्वर गार्ड से बेकरऑल को पकड़ने लगता है और बबाता को निशाना लगा के रेल गन फायर करने को बोलता है, तो बबाता जल्दी से रेल गन चार्ज करने लगती है। इधर बेकरऑल अपने विंड डोमेन की मदद से उस जगह से हटने की कोशिश कर रहा था, तो दोनों मास्टर्स अपने डोमेन से उसे रोकने लगते हैं। साथ ही मैक्स भी अपने क्लाउड रिटर्न से उनकी मदद कर रहा था, लेकिन तभी बेकरऑल गुस्से में एक बहुत ताकतवर अटैक करके उन सबको दूर कर देता है। साथ ही उस अटैक के कारण शिप की डायरेक्शन भी बदल जाती है। इसके बाद बेकरऑल इधर उधर भागने लगता है, तो मैक्स उसे कस के पकड़ लेता है और उसे रेल गन के सामने लाके खुद को और बेकरऑल को क्लाउड रिटर्न से कस के बांध देता है। ये देखकर बेकरऑल मैक्स से कहता है कि ऐसे तो तुम भी मेरे साथ मारे जाओगे। इधर दोनों मास्टर्स ये देखकर घबरा गए थे, लेकिन तभी रेल गन फायर कर देती है और वो अटैक डायरेक्ट उन दोनों को लगता है, जिसके कारण वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जिस ब्लास्ट के खत्म होने के बाद दोनों मास्टर्स मैक्स को इधर उधर ढूंढने लगते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं मैक्स इसमें मारा ना गया हो। तभी मास्टर होंग बोलते हैं कि मुझे बेकरऑल और मैक्स दोनों के ही वाइटल्स नहीं दिख रहे। उसी वक्त डीव बोलता है कि मुझे बॉस की लोकेशन मिल गई है और मैं उनके पास जा रहा हूँ, और मैंने शिप में भी लोकेशन भेज दी है, तो आप शिप की मदद से वहाँ पहुँच जाना। अब वो शिप में आ जाते हैं, जहाँ बबाता उन सबको बताती है कि उसे मैक्स के वाइटल्स मिल गए हैं, लेकिन मैक्स अभी भी बहुत वीक है। ये देखकर दोनों मास्टर्स को थोड़ी राहत मिलती है कि मैक्स ने D5 लेवल के वेपन का अटैक भी झेल लिया। लेकिन इधर बबाता समझ गई थी कि मैक्स की बॉडी में उसका कोर नहीं होगा, इसलिए वो जिंदा बच गया। तभी बबाता देखती है कि मैक्स की बॉडी के पास बेकरऑल भी है। ये सुन के मास्टर होंग बबाता से जल्दी से उस प्लैनेट पर चलने को बोलते हैं जिस प्लैनेट पर मैक्स और बेकरऑल जाके गिरे थे, तो बबाता तुरंत ही शिप उस तरफ मोड़ देती है। इधर हम बेकरऑल को देखते हैं जो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। तभी वो मैक्स की बॉडी के पास आता है और बोलता है कि अच्छा हुआ मैं सही समय पर उस अटैक से दूर हो गया, वरना मैं मारा जाता। तभी वो मैक्स के वाइटल्स देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि मैक्स अभी भी जिंदा है। ये देखकर बेकरऑल चौंक जाता है कि स्टार लेवल पर होने के बावजूद भी मैक्स D5 लेवल की रेल गन से कैसे बच गया। इसके बाद बेकरऑल मैक्स को जान से मारने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी डीव वहां आ जाता है और उसके ऊपर प्रेशर डाल के उसे घुटने पर ले आता है। तो बेकरऑल डीव से कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो। इस पे डीव बोलता है कि तुम्हारी मौत का फैसला मेरे बॉस करेंगे। ये सुन के बेकरऑल बोलता है कि तुम्हारा बॉस तो वैसे ही अधमरी हालत में है, लेकिन तभी वो देखता है कि मैक्स की बॉडी वहाँ से गायब है। उसी वक्त बेकरऑल के पीछे से गोल्डन हॉर्न बहमोत वहाँ आ जाता है, जिसके साथ मैक्स भी था, जिसने खुद को हील कर दिया था। इधर हम कुछ दिनों पहले का सीन देखते हैं, जहाँ डीव ने मैक्स से कहा था कि आपको बेकरऑल से लड़ने की जरूरत नहीं, मैं बाकी सबके साथ मिलकर उसे मार दूंगा। इस पे मैक्स ने उसे गोल्डन हॉर्न बहमोत की बॉडी में बदलकर कहा था कि गोल्डन हॉर्न बहमोत यूनिवर्स लेवल स्टेज 6 पर पहुंच गया है और ये आराम से यूनिवर्स लेवल स्टेज 9 के वॉरियर्स को मार सकता है, इसलिए मैं अपनी पावर टेस्ट करना चाहता हूं। तो इसके लिए डीव मान गया था और इसलिए डीव ने अभी बेकरऑल को नहीं मारा था। इधर बेकरऑल भी समझ गया था कि मैक्स ही गोल्डन हॉर्न बहमोत है। तभी मैक्स उसे कहता है कि तुम्हें मार्शल आर्ट्स पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, पर इसके लिए तुम्हें नॉलेंसन का साथ छोड़ के मेरा साथ देना होगा। जिसपे बेकरऑल हंसते हुए कहता है कि मैं बस ताकतवर को ही फॉलो करता हूँ, भले ही तुम्हारे पास गोल्डन हॉर्न बहमोत की बॉडी है, पर ये अब भी यूनिवर्स लेवल स्टेज 6 पर है। उसी वक्त बेकरऑल अपना विंड डोमेन एक्टिवेट कर देता है, लेकिन मैक्स गोल्डन हॉर्न बहमोत की नई टेक्निक से तुरंत ही उसका विंड डोमेन तबाह कर देता है और याद करने लगता है कि कैसे उसने गोल्डन हॉर्न बहमोत को ब्रेक थ्रू करा के यहाँ तक पहुँचा दिया है। साथ ही उसने नई नई टेक्निक्स भी सीख ली है, जिसके कारण गोल्डन हॉर्न बहमोत पहले से 4 गुना ताकतवर हो गया है। अब गोल्डन हॉर्न बहमोत बेकरऑल पर जानलेवा वार करने लगता है, तो मौत सामने देखकर बेकरऑल को अपने एल्डर का सपना आता है, जो बेकरऑल से कहते हैं कि क्या तुम्हें हमारे डाओ फैंग क्लैन का मिशन याद है। इस पे बेकरऑल कहता है कि हाँ मुझे वो याद है, इसलिए मैं वो ट्रेनिंग कभी मिस नहीं करता, ताकि मेरा नाम भी डाओ फैंग क्लैन के होली पैलेस में रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन एल्डर उससे कहते हैं कि तुम्हारा ये सपना अब कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपनी ताकत से वीक लोगों पर अत्याचार करा है।
तो ये जान के बेकरऑल दुखी हो जाता है और अपने विजन से बाहर आ जाता है और गोल्डन ऑन बहमोत के अटैक से बचने के लिए विंड डोमेन एक्टिवेट कर देता है। लेकिन गोल्डन ऑन बहमोत अपने पंजे से विंड डोमेन तोड़ देता है, लेकिन वो बेकरऑल को जान से नहीं मारता और अपना पंजा हटा लेता है क्योंकि उसे तो बस अपनी ताकत दिखानी थी। तभी बेकरऑल मैक्स से कहता है कि क्या तुम मुझे मारोगे नहीं। इस पे मैक्स उसे कहता है कि ये तुम्हारी चॉइस पर डिपेंड करता है, अगर तुम नॉलेंसिन की वफादारी के चक्कर में मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा, पर अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हारी जान भी बच जाएगी, ऊपर से होली बुक में एक ना एक दिन तुम्हारा नाम भी जरूर दर्ज होगा। मैक्स को बेकरऑल के होली बुक के सपने के बारे में पहले से पता था क्योंकि उसने उस पे रिसर्च कर ली थी। इधर बेकरऑल को ये सुन के नई होप मिलती है कि उसका नाम भी होली बुक में आएगा, इसलिए वो मैक्स के सामने घुटने टेक देता है और उससे कहता है कि मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। इस पे मैक्स उससे कहता है कि तो तुम्हें आज से अर्थ की रखवाली करनी होगी और तुम्हें गोल्डन हॉर्न बहमोत का सीक्रेट भी छुपाकर रखना होगा। तो बेकरऑल इसके लिए मान जाता है, लेकिन मैक्स उसे सोल सीलिंग ओथ लेने को कहता है क्योंकि अगर ओथ लेने के बाद बेकरऑल मैक्स को धोखा देगा तो वो अपने आप मर जाएगा। अब बेकरऑल इस ओथ के लिए मान जाता है और सोल सीलिंग ओथ ले लेता है। इसके बाद मैक्स बेकरऑल के सामने आकर उससे कहता है कि तुम मुझे मास्टर मत बुलाओ, तुम मेरे कोई स्लेव नहीं हो, पर तुम मुझे बॉस बुला सकते हो ताकि हमारे बीच एम्प्लॉय और बॉस का रिलेशन हो। उसी वक्त दोनों मास्टर्स उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और बेकरऑल पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन मैक्स उन्हें रोक देता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।